चुनाव में आधी आबादी की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि बदलते भारत की विकसित तस्वीर के साथ साथ महिलाओं का दायरा अब केवल रसोई तक सीमित नहीं रह गया। महिलाएं आज मुखर होकर अपने मुद्दों पर बात करना जानती हैं और अपने हक की आवाज को बुलंद करना भी। इसी कड़ी में 2024 के चुनावी सफर के दौरान गांव जंक्शन ने एक स्पेशल सीरीज शुरू की, नाम है 100 गांव 100 कहानियां। इस सीरीज के माध्यम से हमने ग्रामीण भारत के मुद्दों को समझा और उसे आप तक पहुंचाया। इस दौरान हमने ये देखा कि ग्रामीण भारत की महिलाएं अपने हक और मुद्दों को लेकर कितनी जागरूक हैं। उन्होंने खुलकर अपने मुद्दे गांव जंक्शन के साथ साझा किए। सरकार की योजनाओं से लेकर समस्याओं तक सभी मुद्दों पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। वनटांगिया समुदाय की ऐसी ही एक महिला गांव जंक्शन की टीम को गोरखपुर की ग्राम पंचायत तिकोनिया में मिली, जहां हमने देखा कि कल तक वनटांगिया समाज के जो लोग अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, वो आज बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। हालात बदले तो अब यहाँ की महिलाएं भी सशक्त हुई हैं। आपको शायद ये देखकर हैरानी होगी कि यहाँ एक महिला जंगल के बीच में ब्यूटी पार्लर चला रही है। ये पार्लर आप ही का? हाँ, मेरा ही है। कितना समय हो गया ये? 3 साल। ये बताइए, जंगलों के बीच में ब्यूटी पार्लर, पहले कोई पार्लर था यहाँ? कोई पार्लर नहीं था, तो हम सोचे कि हम एक अपना शुरू करते हैं, तो गांव की लोग थोड़ी बहुत आएंगी तो आती हैं, लोग अब कराती भी हैं और शादी में भी होता है तो लोग बुलाती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारी लोग आएंगी तो सही रहेगा। और हमें देख के भी बहुत सारी औरत प्रेरित होती हैं, वो भी लोग ब्यूटी पार्लर सीखने का प्रयास कर रहे हैं। देखा आपने, शायद जंगलों के बीच बसे गाँव में ब्यूटी पार्लर की कल तक कल्पना करना भी मुश्किल था। गांव जंक्शन की टीम हरियाणा के सोनीपत के अटेरना गांव भी गई। यहां की महिलाओं ने भी खुलकर अपनी बात हमारे साथ साझा की, बताया कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिला और कैसे उन्होंने अपने जीवन की बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल किया। सब कुछ जो फैसिलिटी मिल रही है हमें भी मिली है, जैसे कि राशन मिलना, आयुष्मान कार्ड है। बन गया आयुष्मान कार्ड? हाँ जी, ये बन गया। पेंशन मिल रही है मुझे, खुद को ही मिल रही है। आपको किस चीज़ की पेंशन? पैर की घर की दिक्कत की वजह से मिल रही है, और बस यही है। बस थोड़ी बहुत दिक्कत ये है कि यहाँ पे सवारियों की बहुत प्रॉब्लम है, बस ये प्रॉब्लम है, और हमें और कोई दिक्कत नहीं है। पेंशन बना रखी 3,000 महीने का दे रहा बुढ़ापे में, तो हम तो मोदी की देंगे। हाँ, पेंशन मतलब 3,000 घर बैठे दे रहा बुढ़ों को भाई, और कोटा फ्री दे रहा हमें। आयुष्मान कार्ड से लेकर राशन और पेंशन ने किस कदर ग्रामीण महिलाओं के जीवन में रोशनी लाने का काम किया, वो आपने खुद इन महिलाओं की जुबानी सुना। अब आपको हरियाणा के सोनीपत के मनाना गांव की महिलाओं से मिलवाते हैं, जिन्होंने पेंशन, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड पर खुलकर अपने दिल की बात गांव जंक्शन के कैमरे पर बताई। मेरा तो बढ़िया है, मेरी पेंशन भेज है पूरी। अच्छा, क्या बढ़िया? सारा सौदा बढ़िया कर दिया, आगे भी करेगा। राशन भेजन ला गया मिला है? आपको भी मिला? नहीं, मैंने नहीं मिलता, मेरे लड़के को मिला है। अच्छा। मैंने तो सरकारी पेंशन मिला है। अच्छा। और मोदी भेजा है और बता देगा। हाँ, बनेगा तो और बता होगा। महिलाएं, खासकर ग्रामीण महिलाओं को लेकर एक सामाजिक धारणा बनी हुई है कि उनका रुझान घर गृहस्थी धारावाहिकों में ज्यादा लगता है, लेकिन इन महिलाओं की बात सुनेंगे तो आपकी धारणा बदल जाएगी। ये ग्रामीण महिलाएं राम मंदिर के मुद्दे को भी समझती हैं और कश्मीर के मुद्दे को भी समझती हैं। मुझे अच्छी चीज तो है जी। क्या है? ये तो मोदी कर ही रहा है। देखो जी, जैसे राम का है, जैसे कश्मीर का हिंदू का है, है? तो इसमें तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो ये भी दोनों पलड़े हैं, सारी चीज भाई, नौकरी है, बच्चे पढ़ाएंगे तो उनको नौकरी मिलेगी। राम मंदिर बनने का भी है? हाँ, है क्यों नहीं। बहुत है जी, बहुत है जी। अगर हिंदू हैं तो देखो, हिंदू को बहुत ऊपर उठाया है, और हमारे देश की भी वैल्यू विदेशों में कितनी वैल्यू बढ़ गई है, उस चीज से भी हम मतलब खुश हैं, बहुत खुश हैं इस चीज को देख के हमारे हिंदुओं का कितना ऊपर लेके गए हैं हिंदू के लिए, उसके लिए तो हम बिल्कुल सेटिस्फाइड। गांव जंक्शन की यात्रा पाठा की शेरनी रामलली के गांव भी पहुंची। चित्रकूट के इस इलाके में कभी डकैतों का आतंक था,
आज डकैत तो नहीं है, लेकिन आज की व्यवस्था के डकैत पर पाठा की शेरनी का गुस्सा जरूर फूटा। एक एक बूंद पानी का और एक एक का हमें इतनी तिरा है कि हम लोग इतना भोगना भोगी थे सब लोग ये बिहड़ में रह के कि बताओ हमारे का कहा थी नहीं पाँच पाँच दस दस किलो आंसू गल्ला पैदा बाहर मजदूरी करते हैं लड़का बताओ पढ़े का लड़कन क्या टाइम है। हाँ दस दस बारह बारह साल के लड़कन से हम लोग मजदूरी कराए थे। हाँ हम स्वयं सब मजदूरी करते हैं तब हम आपको हमारे पेट में रोटी जाती है। अब आगे बढ़ के हम अपनी दशा क्या बताएं कि हम वो दुर्दशा से जो बचे हैं तब यहाँ हमारी अधिकारी लोग दुर्दशा के डाल थी ये बदमाशों से कौन बचे। हाँ वो बदमाश तो चले गए मर गए जनता के अत्याचार के नहीं चले गए। हम लोग दुख सुख सही के पूरा क्षेत्र एक गांव के नहीं कम से कम पूरा पहाड़ी इलाका हमारा ये पूरा पहाड़ी इलाका इतना वह पाठा इतना वह है कि समझ ले पूरा पाठा का तकलीफ रही है बदमाशों से। पर वह कलेश तो हमारा कट गया नहीं तेंदू पत्ता में कमीशन मांगा है और हर चीज में कमीशन मांगे कुछ भी उपत जंगल से निकाल के लाओ तो हर चीज में उपत से मतलब वो कमीशन ठेकेदारों से लेता रहा। हमारे जंगल क्या हमारे बल क्या हमारा कटत रही एक एक दिन के पाती कटत रही। हाँ तो उससे क्या कहती हमारे पैसा जात रहा गरीबों का। हाँ कट के फिर वो अधिकारी लोग लड़के वो का ददुआ का देते रहे पैसा यह कर ले तो मर गया चला गया वो खत्म हो गया। लेकिन जब यहाँ के अधिकारी डीएम आईजी डीआईजी एसपी ब्लॉक में बांटते हैं ये लोग बीडियो सीडियो और ये लोग अत्याचार करते न यहाँ एक आवाज है देखो चारा की झोपड़ी है। हाँ एक पंछी रहता हुआ घोंसला बना लेता है इसीलिए हम अपने बच्चों के लिए घोंसला यह हमारा घोंसला है यही घोंसला हम अपने बच्चे सेते हैं पालते हैं जंगल से चार बजे के तड़के जाती हैं तो वहाँ से पत्ती लाती हैं पत्ती ला करके पूरे बच्चे लड़के से जोड़ते हैं जोड़ के जब जोड़ जाती है तब फिर रोटी बनाते हैं तब फिर नमक रोटी प्याज खाते हैं। कभी सपने में दाल भाजी नहीं हम लोगों को मिलती क्या करें क्या मुसीबत बताएं हम कि कितना के मुसीबत झेल रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ग्रामीण महिलाएं सरकारी योजनाओं के लाभ से खुश हैं। कई ग्रामीण महिलाएं ऐसी भी हमें मिली जो मूलभूत जरूरतों से भी वंचित हैं। हमने उनकी समस्या को भी जाना और गांव जंक्शन के माध्यम से उन्हें शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश भी की। मैं मिलो तो कुछ ना लेटरिंग मिली ना देखो बाब मिली देखो कॉलोनी कुछ नहीं मिला कुछ भी नहीं मिलता है। घर टूटे मरैया में रहत लड़का बच्चा सब पानी में रहत पानी बरसत तो पानी में रहत कॉलोनी का ये प्रधान का मेरे जेब में निकाल ले बिल्कुल पानी नहीं मिलता सूखा पड़ा हुआ बराए हैं बस सूखा पड़ा है। तो कब आएगा कोई इसका उम्मीद नहीं है पानी का तीन चार साल पड़ा बस बोलेंगे आएगा आएगा फरवरी में आएगा मार्च में आएगा अगले साल आएगा बोलते मगर पानी का कोई उम्मीद नहीं है। दो किलोमीटर से ये लाद के लेके आ रहे हो कैसे करेंगे फिर राशि को पिएंगे और ये दिन में कितनी बार लाना पड़ता है दो बार खाना रोज इसी पे बनता है रोज यही पर बनता लकड़ी पर बनाते एक बार बनाने गए तो बनाए नहीं गैस सिलेंडर क्या बोल के मना करें कहा था कि जो नहीं बन पाएंगे पैसा दो तब बनाएंगे। तो ये हम देख रहे थे कि गांव में हाँ हाँ। वो पाइपलाइन तो बिछी हुई है वो जो नहीं चालू है नहीं चालू नहीं हुआ लगा है चालू नहीं है चालू नहीं हुआ है चालू अच्छा कब से लगा पड़ा है ये तीन चार साल हो गए पाँच साल तीन चार साल हाँ अगर पानी चालू हो जाए ना तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है पाँच छह साल से पड़ा है गड्ढा करके बस जी जी बड़ा दिक्कत चार दिन पे नहाना ही होता है वो नहीं नहाते हो रखा हुआ था घर में पानी है ही नहीं कहाँ जाए नहाने धोने बड़ा दिक्कत पानी का। अरे गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है अब गांव का समस्या तो यही हवे मजदूरी ओकर 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 आई जुहा तय जुहा इतनी मजदूरी मिल जाती है इतना काम होता है यहाँ पे हाँ अब नौकरी मिली तब नौकरी करे जाए हमार मजदूरी तो आई पानी डोहाई गली बह रही का कथे रंधाई खवाई हाँ इंद्रावास वाला घर बनी से दुनिया में हमार ओहू वाला घर नहीं बनी से हमार सुखरी में मुश्किल से 10 घर है। ट्यूबवेल रहता तो घर में सब कुछ साधन होता तो नहीं जाना पड़ता हम लोग को। अच्छा ये पता होता अगर कि पहले से कि पानी ढोना पड़ेगा तो नहीं तो शादी नहीं करते हैं तो हम लोग को वो मतलब नहीं था ना कि उतना दूर है।
यानी कि अगर हम एक मोटा आकलन करें तो ग्रामीण भारत की महिलाओं का एक वर्ग हमें ऐसा मिला जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहा है, जबकि ऐसी ग्रामीण महिलाएं भी मिली जो शौचालय, आवास जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी तरस रही हैं। अब नई सरकार से इन महिलाओं ने नई उम्मीदें लगा रखी हैं। देखना होगा कि नई सरकार ग्रामीण भारत की महिलाओं के सपने को पूरा करने की दिशा में क्या कुछ नए फैसले लेती है। गांव जंक्शन के लिए नैन्सी वाजपेयी की रिपोर्ट।